भारत बंद, पटना में विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के बीच एसडीएम साहब भी पिट गए, देखिए वीडियो। देश भर में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया है। इसी बीच पटना में आरक्षण मुद्दे पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। बता दें कि बुधवार सुबह से ही बंद का समर्थन कर रहे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन इसी बीच पुलिस ने एसडीएम पर भी गलती से लाठी मार दी। दरअसल भारत बंद के चलते बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद के दौरान पटना में बंद समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच एसडीएम पर भी पुलिस वाले ने लाठी भांज दी। इसके बाद तीन पुलिसकर्मी एसडीएम को घेर कर चलते हुए नजर आए। बिहार के कई हिस्सों में भारत बंद का असर सुबह से दिखना शुरू हो गया था। पटना में बंद समर्थकों ने महेंद्र अम्बेडकर हॉस्टल के पास सड़क को जाम कर आगजनी की। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं जहानाबाद के प्रमुख मार्गों, विशेषकर पटना गया राष्ट्रीय मार्ग के ऊटा मोड़ के पास बड़ी संख्या में बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया। भारत बंद समर्थकों ने सरकार से मांग की है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द किया जाए।